हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं थ्री लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आई है कॉग्निजेंट, एटॉस और सीजीआई कंपनी की तरफ से। तो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, और अगर चैनल पर न्यू हो तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक अपडेट दे देती हूँ। अभी तक आप लोग ने TCS ऑफ कैंपस डिजिटल हायरिंग फॉर ईयर ऑफ पासिंग 2019, 2020 एंड 2021 में अप्लाई नहीं किया होगा तो वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि उसकी आज लास्ट डेट है 25 फरवरी 2020। यहाँ पे आप लोगों को पैकेज काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। जो अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए 7.0 लाख पर एनम का है, और जो पीजी की है उनके लिए 7.3 लाख पर का है। तो यहाँ पे ऑल स्ट्रीम अप्लाई कर सकता है, जो कि BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc फ्रॉम ईयर ऑफ पासिंग 2019, 2020 एंड 2021 के है। और जो सेकेंड जॉब अपडेट है वो है कैपजेमिनी ट्रेनर फ्रेशर हायरिंग 2019, 2020 एंड 2021। इसकी भी लास्ट डेट 25 फरवरी 2020 है, आज ही इसकी लास्ट डेट है। अगर यहाँ पे भी आप लोग ने अप्लाई नहीं किया होगा तो आप लोग अप्लाई कर लीजिए। ये दोनों इसके वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं आज की अपनी पहली जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आई है कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे JNC प्रोग्रामर ट्रेनर ऑफ कैंपस का रोल है। उसके बाद में एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022। फंक्शन यहाँ पे IT गिवन है। CTC की बात करें यहाँ पे तो 2.5 आप लोगों का पैकेज रहने वाला है। अब यहाँ पे अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे 2019, 2020, 2021 बैच ऑफ BCA, BCS, देन BISM, BSc इन IT, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, मल्टीमीडिया कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक, स्टैटिस्टिक, एनिमेशन। यहाँ पे PG कोर्स आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों का 50% क्राइटेरिया चाहिए उन लोगों को 10-12 डिप्लोमा UG में। नो स्टैंडिंग आप लोगों के बैकलॉग रहने चाहिए यहाँ पे। मैक्सिमम आपका 2 ईयर का गैप वो लोग कंसिडर किया जाएगा इन एजुकेशन में। ओपन टू इंडिया नेशनल, OCI एंड ड्यूअल सिटीजन होल्डर। फिक्सिबल होने चाहिए आप लोग रिलोकेट होने के लिए एनी लोकेशन इन इंडिया। वर्क एनी शिफ्ट और डोमेन। अगर आप लोगों को ये कंपनी में अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, फिर आप लोगों को ईमेल आईडी डालनी है आपकी, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और फिर आपको ये पूरी डिटेल फिलअप करने के बाद में सबमिट करना है। तो ये थी अपनी कॉग्निजेंट कंपनी के बारे में। तो चलते हैं अब अपनी सेकेंड जॉब नोटिफिकेशन पे, जो कि आई है एटॉस कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे ट्रेनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल है। जॉब लोकेशन यहाँ पे पुणे और चेन्नई है। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पे बात करें अपन, तो यहाँ पे कैंडिडेट विल बी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा मैनेजमेंट। यहाँ पे कैंडिडेट विल बी वर्किंग इन द एरिया ऑफ नेटवर्किंग, डेटाबेस, क्लाउड सर्विस, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल वर्कप्लेस, अदर IT इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। अब एलिजिबिलिटी यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो देख लेते हैं अपन। तो 2021 बैच पासिंग स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि IT, IS, CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन कैन अप्लाई। उसके बाद में कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 60% एग्रीगेट इन 10-12 डिप्लोमा UG, PG में आप लोगों का 60% एग्रीगेट रहना चाहिए। नो एक्टिव बैकलॉग रहना चाहिए आप लोगों की। यहाँ पे 1 ईयर का गैप वो लोग अलाउ करने वाले हैं 12th एंड ग्रेजुएशन के बीच में। एनी अदर गैप इज नॉट अलाउ। फिक्सिबल टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट। अब अपन यहाँ पे CTC की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 ईयर सर्विस एग्रीमेंट एप्लीकेबल है, जो कि BE और BTech को 3.1 लाख पर एनम तक का मिलने वाला है। जो BSc और BCA स्टूडेंट है उनको 2.3 लाख पर एनम तक का मिलने वाला है, और जो MSc और MCA स्टूडेंट है उनको 2.5 लाख पर एनम तक मिलने वाला है। अगर आप लोगों को ये कंपनी में अप्लाई करना है, जस्ट यहाँ पे आप लोगों को चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर क्लिक करने के बाद में नीचे अप्लाई नाउ का बटन आ जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी है और आप ये वाले कंपनी में भी अप्लाई हो जाओगे। अब बात करते हैं अपनी थर्ड जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है ये CGI कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे फ्रेशर ग्रेजुएट टेक्निकल का रोल है। क्राइटेरिया, यहाँ पे क्राइटेरिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गिवन है। सिटी की यहाँ पे बात करें अपन तो बैंगलोर, कर्नाटका, इंडिया है। एम्प्लॉय टाइप आप लोगों का फुल टाइम रहने वाला है।
अब अपन यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2019, 2020 और 2021, ग्रेजुएट विथ फाइनल ईयर रिजल्ट डिक्लेयर। मिनिमम आपका यहाँ पे 10th और 12th में 60% क्राइटेरिया रहना चाहिए और आपका 65% ग्रेजुएशन में रहना चाहिए। अगर आप लोगों के पास में जावा और .NET का नॉलेज है तो यहाँ पे आप लोगों का एडवांटेज माना जाएगा। स्किल की यहाँ पे बात करें अपन तो .NET और जावा गिवन है। अगर आप लोगों को ये कंपनी में अप्लाई करना है तो आई एम इंटरेस्टेड पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको ये फॉर्म भरना है और आप यहाँ पे अप्लाई हो जाओगे। तो ये थी आज की अपनी 3 लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।